Hello students, welcome to Pluripotent. So in this video we will see how to do the basic registration for AIIMS BSc Nursing 2024. इसके अलावा जो BSc Paramedical course है उसके लिए भी कैसे करते हैं basic registration. दोनों का form same है. पूरा process हम देखेंगे step by step. Basic registration करने के लिए आपको आ जाना है AIIMS की website पे, that is bccourses.aimsexam.ac.in. इसका जो link है मैं description में दे दूंगा, तो आप वहां से भी साइट को एक्सेस कर सकते हैं. सो क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पे, जहां पर एक तरफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड, और दूसरी तरफ मिल जाएगा आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर द जनरेशन ऑफ द कोड. सो सबसे पहले करना है हमें बेसिक रजिस्ट्रेशन. जब हम बेसिक रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपके पास एक कोड आ जाएगा. उस कोड से और जो आपके पास एप्लीकेशन आईडी है और जो पासवर्ड मिला है आपको, आप वहां से लॉग इन करके और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है फिर उसे कंप्लीट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कैसे किया जाता है. सबसे नीचे आपको मिल जाएंगे दो पॉपअप. यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड वाले में बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर AIIMS BSc कोर्सेज 2024. यहाँ पर करेंगे क्लिक. क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पे, जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन और एप्लीकेशन लॉगिन जोन. तो आप क्लिक करेंगे न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन पे. तो क्लिक करने के बाद आपको ये बोल रहा है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसके अलावा जो पर्सनल डिटेल्स है फोटो आईडी होना चाहिए एक, इसके अलावा स्कैन डिजिटल कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए रिसेंट की, जो 6 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए. बाकी जो फोटो सिग्नेचर और जो थंब इंप्रेशन है उसका डायमेंशन क्या है वो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, तो उस डायमेंशन को पहले से रिसाइज करके रख लेना. इसके अलावा अगर एप्लीकेबल हुआ तो 10th क्लास 12th क्लास की जो मार्कशीट वगैरह है वो भी लगेगी. इसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी लगेगा. तो फिलहाल जो फॉर्म फिल करते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो हम आगे देखते रहेंगे, मगर ये सब चीजें आपको रेडी रखनी है. तो यहाँ क्लिक करेंगे प्रोसीड पे. सो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पे, जहां पर आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले आपको करना पड़ेगा बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जब RUC कोड जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन. सो नीचे ऑप्शन मिल रहा है प्रोसीड का, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पे. आपको अब यहां से करना है अपनी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट. सो नेशनलिटी में सेलेक्ट कर लिया हमने इंडियन. इसके अलावा यहां भर देना है आपको अपना फुल नेम. री एंटर करना है आपको अपना फुल नेम. फिर भर लेना है आपको यहां पर अपना फादर्स नेम. फिर यहां भरना है आपको मदर्स नेम. और जो सभी नेम भरेंगे आप वो 10th क्लास का जो आपका रिपोर्ट कार्ड है उसके बेस पे भरेंगे. फिर सेलेक्ट करेंगे आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से करेंगे कंफर्म. उसके बाद सेलेक्ट करेंगे जेंडर. उसके बाद सेलेक्ट करेंगे स्टेट. उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे आप अपनी कैटेगरी. सो कैटेगरी मैंने सारी चीजें सेलेक्ट करके देखी, तो यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता है जहां पर आपको फॉर्म मांगे ये कि आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है. तो आप अकॉर्डिंगली जो आपके है उसके कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं. सो यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं जनरल. कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करेंगे. यहां पूछ रहे हैं आप क्या पीडब्ल्यूडी है, तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं. आईडी प्रूफ में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और 12th क्लास का जो एडमिट कार्ड है आप वो भी यूज कर सकते हैं एज ए आईडी कार्ड. तो जो भी आपके पास हो आप उसको यहां पर फिल कर सकते हैं. सो हम सेलेक्ट कर लेते हैं आधार को और साइड में डाल देना है आपको आधार नंबर, या जो भी आप आईडी सेलेक्ट करेंगे उसका जो आईडी नंबर है वो डाल देना है आपको साइड में. इसके बाद आपको भर लेना है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर. फिर उसको दोबारा से कंफर्म करना है, दोबारा आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर. तो चलिए फटाफट भर लेते हैं इसको. ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको यहां पर भरना है अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस. सो सबसे पहले हम भर देंगे अपना परमानेंट एड्रेस. अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है सो आप नीचे एक टिक का साइन मिलेगा वहां पर टिक कर देंगे तो दोनों एक साथ भरे जाएंगे. सो यहां पर हम भर देते हैं अपना जो एड्रेस है उसको फटाफट. सो यहां पर जो डिटेल्स है दे आर जस्ट फॉर शोइंग की फॉर्म कैसे भरा जाता है, दे आर नॉट एक्जैक्ट डिटेल्स. तो क्योंकि हमारा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जो टिक का साइन इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक कर देंगे कि मैंने सभी चीजें पढ़ लिया, सारी चीजें बिल्कुल सही है. उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा जनरेट आईडी एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे. सो क्लिक करते के साथ ही आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपकी ईमेल आईडी मैसेज और यहां पर भी आ जाएगा. आपकी जो ईमेल आईडी है उसमें आपको एक पासवर्ड भी मिल जाएगा, उस पासवर्ड से आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं इस पे. तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी को. ओके क्लिक करते के साथ ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पे. सो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पेज. सो यहां पर मांग रहा है रजिस्ट्रेशन आईडी, तो हमने जो रजिस्ट्रेशन आईडी कॉपी की थी उसको डाल देते हैं. इसके बाद डालते हैं हम पासवर्ड और नीचे कैप्चा फिल करेंगे. उसके बाद जो लॉगिन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करते के साथ ही आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट इंटरफेस पे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा. तो जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो सारी डिटेल्स जो है एक बार दोबारा से आपके सामने आ जाएंगी. आप उसको दोबारा से रिकन्फर्म कर लें. यहां पर ऑप्शन आएगा फोटो इमेज अपलोड करने का, यहां करेंगे हम प्रोसीड. सो सबसे पहले करेंगे फोटो को अपलोड, तो यहां से चूज फाइल का ऑप्शन है तो फाइल चूज करेंगे और जो फोटो जहां पर भी है वहां से कर देंगे उसको सेलेक्ट. इसके बाद यहां पर चार ऑप्शन दिख रहे हैं,
कि बैकग्राउंड जो है व्हाइट है, फोटोग्राफ ब्लर्ड नहीं है। इन सभी को टिक करके एग्री पे क्लिक करेंगे तो फोटो हो गई अपलोड। इसी तरह से जो साइन है और थंब इंप्रेशन है उसको भी अपलोड कर देना है इसी सेम तरीके से। तो हम फटाफट जो फोटो और साइन है और सिग्नेचर है इन तीनों को कर लेते हैं अपलोड। सो तीनों चीज हमने कर ली है अपलोड। फिर डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे करेंगे टिक और फाइनली कर देंगे उसको सबमिट। सो दो स्टेप खत्म हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के। यहां पर पॉपअप आ जाएगा कुछ इस तरह का। ओके पे क्लिक करने के साथ ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फाइनल प्रिंटिंग पेज की ओर। सो आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। आप इसको एक दोबारा से चेक कर लें। अगर कोई गलती वगैरह है तो यहां पर माई पेज पे जाके आप दोबारा से जो डिटेल्स है उन डिटेल्स को दोबारा से यहां पर जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है वहां से एडिट कर सकते हैं। तो हमें कोई एडिट नहीं करना है। सो हम पहुंच जाएंगे दोबारा से उसी पेज पे और यहां से आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस। सो इतना सा प्रोसेस होने के बाद एक से दो दिन के अंदर जो आरयूसी कोड है जनरेट होकर आपकी जो ईमेल आईडी उस पर आ जाएगा। और स्टार्टिंग में जो इंटरफेस दिखाया था आपको जहां पर आपको अपना आरयूसी कोड एंटर करना है, इसके अलावा जो एप्लीकेशन आईडी आपको मिली है वो एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपके ईमेल पे आया है वो एंटर करना है। वहां से कर लेंगे आप लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद आपको जो आगे का प्रोसेस है फीस पेमेंट सिटी सिलेक्शन वगैरह वो सब करना है और फाइनल जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म कर लेना है। तो कुछ इस तरह से भरना है एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ईयर 2024। एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द पुलिस रिपोर्टेंट को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करके रखें। सिंस एडमिशन सीजन चल रहा है तो बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के फॉर्म आ रखे हैं। सो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के फॉर्म आ रखे हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो कोर्सेज है और फॉर्म्स हैं उनको भर सकते हैं। सो डू विजिट द चैनल वंस। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।